हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के स्टूडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं, यहाँ पे यूपी टेट का मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि कड़ी और घातांक। कड़ी और घातांक का पार्ट वन हम देख चुके हैं, आज की वीडियो में हम भाग दो देखेंगे यानी कि पार्ट टू देखेंगे। और भाग एक में मैंने आप लोगों को बताया कि कड़ी क्या होती है, घातांक क्या होता है और कड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक टॉपिक जहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक चीज़ आप ध्यान से पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे तभी आप एडवांस पढ़ पाएंगे, तभी उसको समझ पाएंगे। तो जो पहले पार्ट में मैंने बताया उसको ज़रूर देखिएगा। और आज के पार्ट में यहाँ पर दो से तीन टाइप के क्वेश्चन कराऊँगा जो आपके एग्जाम में हर बार लगभग पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। और यहाँ पर हमारा जो आज पहला टाइप है, टाइप वन हम देखेंगे। यहाँ पर टाइप वन के जो क्वेश्चन हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तीन टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यूपी टेट की कंप्लीट मैथ की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर हम टाइप वन पे। अगर यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल एक लेते हैं, एक एग्जांपल है, अगर इस तरीके से बोल दिया गया है टू रूट टू, थ्री रूट थ्री, फोर रूट फोर, और एक एग्जांपल और लेते हैं एक सीरीज में सिक्स रूट सिक्स, ठीक है। इसमें से बोलता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, टू रूट टू है, थ्री रूट थ्री है, फोर रूट फोर है, सिक्स रूट सिक्स है। इसमें से अगर बोलता है वो आपसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप कैसे निकालेंगे, क्या देख के आप बता सकते हैं कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है या फिर सबसे छोटी संख्या कौन है? तो यहाँ पे आप लोग तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा कि हाँ देख के आप रूट टू का मान सबसे यहाँ पर कम होगा तो इसका मान सबसे कम आएगा, ऐसा नहीं है। देख के आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बता सकते कि आंसर क्या आएगा, कैसे करेंगे आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में ये बताया था कि अगर इस तरीके से वैल्यू लिखी गई है, रूट में यक्स लिखा गया है, तो अगर यहाँ पे रूट के एक नुकीले भाग के अंदर कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है तो इसका मान मतलब होता है कि दो है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट वन में बताई हुई हैं। तो दो है, अगर दो यहाँ पर लिखा है तो इसका अगर हम इसको ओपन करें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम यक्स के घाते एक बटे दो, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखा गया है थ्री रूट यक्स तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स के घाते एक बटे तीन, ठीक। जब इस चीज़ को इस तरीके से लिखा जा सकता है तो फिर जो हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, घातों में, घात में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर दो लिखा है, अगर दो नहीं भी लिखा रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इसको हम ऐसे ब्लैंक कर दें, रूट टू बस सिर्फ कर दें, तो भी उसका मान वही होगा जो टू रूट टू का मान था, ठीक। इसको हम कैसे लिखेंगे, अब दो के घाते एक बटे दो, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू है यहाँ पे तीन के घाते एक बटे तीन हो जाएगा। फिर अगली वैल्यू है चार के घाते एक बटे चार हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, छः के घाते एक बटे छः। इस तरीके से हमने रूट की वैल्यू को, कर्णी के मान को इस तरीके से हमने घातों के फॉर्म में लिख लिया है, ठीक। अब जब घात के रूप में इस तरीके से लिख लिया है तो जो हमारा ये घात में है एक बटे दो, एक बटे तीन, एक बटे चार, एक बटे छः, इसमें जो आपका ऊपर वाला संख्या है वो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब हमको अगले स्टेप में क्या लेना है, हर का एलसीएम लेना है, ठीक। हर का एलसीएम लेने पर, हर का एलसीएम ले लिया, दो तीन चार और छः का एलसीएम क्या आएगा, आप तुरंत बता देंगे कि दो तीन चार छः का एलसीएम आएगा बारह। कैसे पता लगा, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा एलसीएम और एचसीएफ का, जो मैंने डिटेल में आप लोगों को वीडियो बनाया उसको जाके देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। दो तीन चार और छः, दो तीन चार छः का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर बारह, ठीक। एलसीएम हो गया 12। अब जब एलसीएम हो गया 12 तो यहाँ पे अगर हम 12 रखें ऊपर तो दो के घाते क्या आएगा, 12 ऊपर रहेगा, दो से भाग तो हो जाएगा तो दो के घाते 6 हो जाएगा। अगला तीन के घाते क्या होगा,
तीन के घात एक की जगह 12 रखेंगे तो 12 तीन से कटेगा 4 हो जाएगा, तीन के घात 4 हो जाएगा। अगला मान 4 के घाते क्या होगा, 4 के घाते यहाँ पे 12 आएगा एक के जगह पे, तो 12 4 थे 12 यानी कि यहाँ पे 4 के घाते 3 हो गया। और अगला है लास्ट में 6 के घाते 12 बटे 6 यानी कि 6 के घाते हो गया आपका 2। ठीक, ये कैसे आया, ये इसी तरीके से हमने किया, जैसे यहाँ पे ये है 2 के घाते 1 बटे 2 है, यहाँ पे एलसीएम 12 आया था तो हम इसको इस तरीके से लिख दिए हैं 2 के घाते 12 बटे 2, 12 बटे 2 मतलब 6 हो गया, 6 दूनी 12 तो 2 के घाते 6 लिख दिया। उसी तरीके से 12 1 की जगह पे यहाँ रखेंगे तो 3 के घाते 4 आएगा, 12 यहाँ पर रखेंगे तो 4 के घाते 3 आएगा, और 12 यहाँ पर रखेंगे तो 6 के घाते 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए किसका मान सबसे ज़्यादा है, किसका मान सबसे कम है। 2 के घाते 6 का मतलब 64, 3 के घाते 4 का मतलब 81, 4 के घाते 3 का मतलब 64, 6 के घाते 2 का मतलब 36। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 81 है, तो हमारा सबसे बड़ा जो इसमें से हमने पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो आपका सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आई है 36, यानी कि इसका मान सबसे कम हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, इसी क्वेश्चन के ऊपर आधारित नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पहले स्टेप में इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे घात के रूप में, उसके बाद हर जो है इसका उसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम को भाग दे देंगे यहाँ पे हर से, जो आएगा मान उसको रख लेंगे, उसका मान कन्वर्ट कर लेंगे, जिसका मान सबसे ज़्यादा है वो वैल्यू सबसे बड़ी, जिसका मान सबसे छोटा उसकी वैल्यू सबसे छोटी। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी टाइप के ऊपर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन में आए तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें याद आ जाएँ कि कैसे किया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 3√2, 4√3। ठीक है, थ्री रूट सिक्स, ठीक, में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पे आपके नुकीले भाग के अंदर यहाँ पे संख्या नहीं लिखी गई है, नुकीले भाग की संख्या बाहर लिखी गई है। यहाँ पे देखें किसी भी नुकीले भाग में कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है, नुकीले भाग के बाहर संख्या लिखी गई है। अब इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 से गुणा किया गया है, रूट टू का जो भी मान होगा उसमें 3 से गुणा किया गया है। ठीक, जो भी यहाँ पे मान होगा, यहाँ पे 4 से गुणा किया गया है रूट थ्री के मान में, यहाँ पे 3 से गुणा किया गया है रूट सिक्स के मान में, यहाँ पे 3 से गुणा किया गया है रूट एट के मान में। ठीक है, अब बताइए आप लोग कि रूट टू, रूट थ्री, रूट सिक्स और रूट एट में सबसे बड़ा मान किसका होगा, सबसे ज़्यादा मान। आप कहेंगे कि रूट एट का मान सबसे ज़्यादा होगा, इसका मान आएगा 2√2 आएगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा मान किसका होगा, रूट एट का होगा। रूट में से रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे रूट के बाहर यहाँ पे नुकीले भाग में तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 2 है यहाँ पे, जब कोई वैल्यू नहीं होता 2 होता है, यानी कि 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल और 8 का वर्गमूल। आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा रूट में जो वैल्यू होगी, जो संख्या सबसे बड़ी होगी, उसका मान सबसे बड़ा होगा, यानी कि रूट 8 का मान सबसे बड़ा होगा।
जब रूट आठ का मान सबसे बड़ा होगा हमारा, तो यहाँ पे अगर आठ का मान सबसे बड़ा यहाँ पे आएगा, उसमें हम तीन का गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी होगी? सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारी तीन रूट आठ। आप कहेंगे सर यहाँ पे चार से गुणा हो रहा है, लेकिन चार से गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रूट एट का मान आएगा वो आपका रूट तीन के मान से काफ़ी ज़्यादा आएगा, ठीक है, डबल के बराबर आएगा, लगभग दो दशमलव कुछ आएगा, और यहाँ पे आपका 1.732 ही आएगा। इसलिए 1.732 में अगर हम गुणा करेंगे चार का, तो लगभग चार मतलब सात के लगभग आएगा, लगभग 6.8 के लगभग आएगा। और यहाँ पे दो का गुणा, यहाँ पे तीन का गुणा किस में हो रहा है? दो, लगभग तीन के आसपास के से गुणा होगा, तो तीन और तीन का भाग जब यहाँ पे आएगा तो ये नौ के लगभग आ जाएगा। तो सबसे बड़ा मान इसका आएगा, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 3√8 हो जाएगा, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब हमारा इस नुकीले भाग में कोई वैल्यू नहीं हो, तो हम सिर्फ देखते हैं कि रूट के अंदर का मान किसका ज़्यादा है और उसमें गुणा किस संख्या से हो रही है, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, रब करता हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4√3, ठीक है, 6√4, 9√12, और अगला है यहाँ पे 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सेम आपका जो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लोग आराम से कर पाएंगे, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसको मैंने सबसे पहले क्या बताया, क्या करिए, इसको तोड़ दीजिए। इसको आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, घात के रूप में लिखेंगे अगर इसको, तो 3 × 1/4 हो जाएगा। अगली संख्या क्या होगी? 4 × 1/6 हो जाएगा। अगली संख्या क्या होगी? 12 × 1/9 हो जाएगा। और अगला क्या होगा? 1 है तो 1 × कुछ भी लिख लीजिए, 1 × 1 लिख लीजिए, ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख लिए। अब दूसरा क्या करते थे हम, अब जो हमारा ऊपर संख्या लिखी गई है उसमें जो हर है 4, 6, 1, यहाँ पे 1/1 लिख लेंगे तो वही आएगा, 1/1 कर लीजिए। तो 4, 6 और 9 का LCM आपको निकालना है कि 4, 6, 9 का LCM क्या होगा। 4, 6, 9 का LCM क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो 4, 6, 9 का LCM आप सभी को पता है कि 36 होगा, ठीक है। 4, 6, 9 का LCM 36 होगा। तो 36 यहाँ पे रखेंगे, एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 3 × 36/4, 4 × 36/6, 12 × 36/9 और 1 × 36/1, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 से कटेगा, 4×9=36, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इस स्टेप में 3 × 9। इस स्टेप में क्या आएगा? 4 × 6×36, 4 × 6, 12 × 9=36, 4 और 1 × कोई भी संख्या हो तो 1 × 1 ही रहेगा, उसका मान 1 आएगा। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे इसका मान 1 होगा, 12 × 4, यानी कि यहाँ पे इस तरफ से करते हैं हम 3 × 9 गुणा करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका मान सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि घातों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, संख्याओं में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं, 3 है, 4 है, 12 है, तो 12 × 4 है, तो 12 × 4 मतलब यहाँ पे 12 × 12 × 12 × 12 ये करेंगे तो 144 होगा, फिर 12 से गुणा करेंगे आपका, तो लगभग आपका ये जाएगा 1728 के आसपास, फिर जाएगा 12 बार, तो लगभग 17,000-18,000 के आसपास इसका मान होगा। और यहाँ पे 3 का अगर हम गुणा करें, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5
गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन, तीन त्रिका नौ, नौ त्रिक सत्ताईस, सत्ताईस तियाँ इक्यासी, इक्यासी तियाँ दो सौ तिरालीस, दो सौ तिरालीस तियाँ कितना होगा, दो सौ तिरालीस तियाँ, तीन त्रिका नौ, चार तियाँ बारह, तीन दूनी छः एक सात, ठीक है। फिर इसमें तीन का गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका जाएगा, करके देख लीजिए एक एक चीज़, आपको गुणा करना ही पड़ेगा, गुणा करके देखिए, नौ त्रिक सत्ताईस, कैरी गया टू, तीन दूनी छः दो, आठ सात त्रिक इक्कीस, दो हज़ार एक सौ सत्तासी आ गया। फिर इसमें तीन का गुणा करेंगे तो कितने बार लगभग जाएगा, छः बार जाएगा यहाँ पे, तो छः बार जाएगा तो कितना हो, सात त्रिक इक्कीस, दो आठ त्रिक चौबीस, दो छब्बीस, दो तीन एकम तीन दो पाँच, और तीन दूनी छः, छः हो गया छः हज़ार पाँच सौ इक्यासी। अब फिर इसका गुणा करेंगे छः तीन में, तो छः त्रिक अट्ठारह, लगभग ये बीस हज़ार के आसपास चला जाएगा। इसका मान कितना आ रहा था, लगभग अट्ठारह हज़ार के आसपास आ रहा था। इसका गुणा करेंगे तो इसका भी गुणा आप करके देख लेंगे तो इसका भी मान इस वैल्यू से लगभग जो बीस हज़ार के आसपास जा रहा है, उन्नीस हज़ार समथिंग होगा, उन्नीस हज़ार समथिंग होगा मान, तो इसका मान सबसे ज़्यादा आएगा, तीन के घाते नौ। तो मेरा ये क्वेश्चन कराने का बस इतना उद्देश्य था कि आपको स्टेप पता हो कि पहले इसको हम घात के रूप में लिखते हैं, फिर उसका एलसीएम लेते हैं, घातों के जो हर है उसका एलसीएम लेते हैं, उसको इस तरीके से रखते हैं, फिर जो हमारा मान वैल्यू आती है उसको हम मान के रूप में लिख लेते हैं, हमको पता चल जाता है किसका मान सबसे ज़्यादा है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट करना है, नोट करिए, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, हम वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब चलेंगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो कैसे देखेंगे, छोटी संख्या पूछेगा तो कैसे देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि सभी क्वेश्चन करा पाऊँ, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं किसी भी टॉपिक से, और अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझा सकूँ। अब अगला क्वेश्चन है, नोट करिएगा, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सिक्स रूट ट्वेल्व, फोर रूट थ्री, थ्री रूट फाइव, और यहाँ पे रूट सिक्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको, छोटी संख्या बताना है आपको, बताना सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। जल्दी से इसको नोट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसके बाद हम चलते हैं देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेम वही तरीका यहाँ पे आज अप्लाई करिए, क्या करना है, पहले स्टेप में मैंने बताया था 12 के घाते एक बटे छः, दूसरा को यहाँ पे तीन के घाते एक बटे चार, अगला है यहाँ पे पाँच के घाते एक बटे तीन, नेक्स्ट है छः के घाते, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दो है, यानी कि एक बटे दो। अब मैंने बोला दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको जो ऊपर घात है उसमें हर जो है उसका एलसीएम लेना है, दो तीन चार छः का एलसीएम आपको पता है कि 12 होगा, तो यहाँ पे 12 के घाते 12 बटे 6 हो जाएगा, तीन के घाते 12 बटे 4 हो जाएगा, पाँच के घाते 12 बटे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 के घाते 12 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में इसको सॉल्व करिए, एक ही स्टेप में किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें एक ही स्टेप में की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बारीकी बता रहा हूँ, हर एक स्टेप आप लोगों को क्लियर हो इस तरीके से बता रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। यहाँ पे 12 के घाते 6 से 12 गया 2, 3 के घाते 4 से 12 गया 3, 5 के घाते 3 से 12 में भाग गया 4, और 6 के घाते 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए, सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा हो तो भी आप आराम से निकाल लेते हैं, सबसे छोटी संख्या पूछा है तो भी आराम से हम निकाल लेंगे। इसका मान 144, इसका मान 27, इसका मान 5 बच्चे 25, 25 पंजे 125, 625, इसका मान काफ़ी ज़्यादा बड़ा आएगा,
छत्तीस, 216, उसके बाद 1200, लगभग काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या आएगी। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो ये आप बता देते, इसको गुणा करना पड़ेगा 6 को 6 बार। और सबसे छोटी संख्या इस क्वेश्चन ने पूछा तो सबसे छोटी संख्या होगा 27, यानी कि सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 4√3, आपका सबसे छोटी संख्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, इसके बाद मैं इसको इरेज करूँगा, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक एक चीज़ यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बारीकी से बता दी इस टाइप के क्वेश्चन में। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक चीज़ नोट करते चलिए, ठीक है। अब हम चलेंगे टाइप टू की तरफ, टाइप टू, ठीक है। दूसरा तरीका देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन का। यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से, 2 के घाते 60, ठीक है, 3 के घाते 48, 5 के घाते 24, ठीक, और लास्ट में है 7 के घाते 12। इसमें आपको बताना है, इन संख्याओं में आपको बताना है कि सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे पता चलेगा आपको, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है और बोल देता है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपका एक सीरीज दे दिया गया है 2 के घाते 60, 3 के घाते 48, 5 के घाते 24 और 7 के घाते 12, ठीक है। तो आपसे बोलता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी या फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप अप्लाई करेंगे अगर तो आप तुरंत लगा लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा स्टेप मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब बताइए यहाँ पे जो घात में लिखी गई संख्या 60, 48, 24 और 12, इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा इसमें, आप बताइए 60, 48, 24 और 12। तो आप कहेंगे सर कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 12 है, 12 से बाकी सारी संख्या हमारी कट रही हैं, तो हमारा HCF हो जाएगा 12। तो आपने HCF निकाल लिया, HCF आपका निकल गया यहाँ पे, HCF निकाल लिया आपने 12। जब 12 आपने HCF निकाल लिया तो आपको बस इसी 12 को ऊपर की घातों को हमको बराबर करना है, जो 12 है इसी को हमको घात के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना देखिए, आप देखिए ध्यान से समझ जाएंगे अब, ठीक है। 2 के घाते 60 है, 2 के घाते 60 को हमको यहाँ पे घात में 12 बनाना है, सभी में 60 था उसको 12 बनाना है। तो 12 को हम अगर इस तरीके से कर दें, 12 × 5 = 60 होता है, यानी कि 2 के घाते अगर यहाँ पे हम 5 कर दें, उसके घात 12 कर दो तो हमारा सेम होगा, 2 के घाते 60 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमको ये पता चल गया कि हमको यहाँ पे 12 बनाना है लास्ट में, क्योंकि हमारी जो HCF आया वो 12 आया, तो यानी कि हमारा सभी में हमको 12 बराबर करना है, इक्विवेलेंट करना है सभी के घातों को, ठीक। ये हो गया पहला वाला। दूसरा क्या है, 3 के घाते 48 है, तो इसको लिख लीजिए 3 के घाते, बाहर लिख लीजिए 12, ठीक। तो 12 को कितनी बार गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 बार, तो 3 के घाते 4 हो जाएगा यहाँ पे, उसके घाते 12 हो जाएगा, तो 12 × 4 = 48 हो गया। अगली संख्या 5 के घाते 24 है, तो 5 के घाते 24 यहाँ पे 5 के घाते 12 लिख लीजिए यहाँ पे बाहर, और अंदर 2 से गुणा कर दीजिए तो 12 × 24 हो गया। अगली संख्या क्या है, 7 के घाते 12 था, तो 7 के घाते 12 ही रहेगा, इसको ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट। अब बताइए इसमें, अब इसके बाद क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है। 5 के घाते क्या होगा, 2 के घाते 5, 2 के घाते 5 का मतलब होता है 32, 32 के घात 12 हो गया। अगली संख्या 3 के घाते 4 का मतलब क्या होता है, 81, ठीक, 81 के घाते 12। अगली संख्या 5 के घाते 2 यानी कि 25, 25 के घात कितना हो गया 12, और यहाँ पे 7 के घात 12।
अब बताइए, आप नहीं बता पाएंगे क्या कि कौन सी बड़ी संख्या है इसमें सबसे, या फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप तुरंत बता सकते हैं क्योंकि घात आपकी सभी में बराबर हो गई है, इसीलिए यहाँ पे मैंने SCF लिया, क्योंकि घात जब हम बराबर कर लेंगे उसके बेस में जो भी संख्या होगी बड़ी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो सबसे छोटी संख्या बेस में होगी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है तो आप देखेंगे 81 की घात 12 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक, और सबसे छोटी संख्या 7 की घात 12 सबसे छोटी संख्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है, डायरेक्ट आपसे घात यहाँ पे दे दिया गया है, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले घातों का HCF लेते हैं, घातों का HCF हो जाएगा जो, उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे घातों को कि हमारा घात सब बराबर हो जाए, HCF बराबर ही होता है, तो उसके लिए हम HCF लिए, उसके घातों को बराबर किए, नीचे की वैल्यू का मान रखे, मान हमारा सबसे बड़ा जिसका होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी, नीचे की वैल्यूज में मान सबसे छोटा तो उसकी वैल्यू सबसे छोटी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर चलते हैं इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस टाइप का। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। और अगर पसंद आ रही है वीडियो, समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को, तो लाइक कर दीजिएगा एक, ठीक है। अगर नए हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे, तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, एग्जाम्पल देखिएगा, 3 के घाते 40, ये 3 है, ध्यान से लिखिएगा, 3 के घाते 40, 4 के घाते 20, 2 के घाते 30 और 5 के घाते 60, ठीक है। मैं सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, ठीक है, बड़ी संख्या आपको निकालना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सेम तरीका अप्लाई करिए जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, वो वीडियो रोकिए तुरंत, तरीका जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप वही तरीका फॉलो करिए, आप लोग देखेंगे आप लोगों का आदत बन जाएगा, आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या करना है, 40 लिखना नहीं है इसको, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे आप लोग नोट कर लें, तो आप लोगों को हमेशा रिवाइज करें तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। 20 40 30 60, इसका HCF क्या होगा? आप कहेंगे कि इसका HCF आ जाएगा, यहाँ पे HCF आ जाएगा 10, बिना कहे आप बता देंगे, क्योंकि 20 से सभी संख्या नहीं कट रही, 20 का आधा करेंगे 10, 10 से सभी संख्या कट जाएंगी, तो HCF हो जाएगा 10। अब बताइए 3 के घाते यहाँ पे है 40, इसको हमको 3 के घाते 10 के रूप में बनाना है, ठीक, यहाँ पे हमको 10 चाहिए, तो अगर टोटल 40 है तो यहाँ पे हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगला 4 के घाते 20 था, 4 लिखेंगे, घात में 10 लिखेंगे, इसको 20 बनाना है तो 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। अगली संख्या है आपकी 2 के घाते 30, बाहर 10 है, 10 लिखिए, अंदर 3 से गुणा कर दें 30 हो जाएगा। अगली संख्या 5 है, 5 के घाते 60 है, उसको 10 बनाना है तो यहाँ पे 6 कर देंगे, ऊपर 10 कर देंगे तो 60 हो जाएगा। अब बताइए आप इसमें सबसे बड़ी संख्या नहीं निकाल पाएंगे क्या? आप सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे घात सबका 10 हो गया है, सबका 10 हो गया घात, और सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 के घाते 4 है, लेकिन यहाँ पे 5 के घाते 6 है, 5 के घाते 6 का मान कुछ ज़्यादा कहीं आप लोगों को बाकी संख्याओं से ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे 3 के घाते 4 मतलब 81 के घाते 10 हो जाएगा, ठीक। अगली संख्या 16 के घाते 10, अगली संख्या 8 के घाते 10, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 6 बार करना है, 5 का गुणा 6 बार करना है टोटल आपको, 5 5 बचे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125, 3125 पंजे, ठीक, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 दो 12, 1 5 1 5 1 6, ठीक है, और 5 3 15, 15625 इसका मान आ जाएगा, 15625। आप डायरेक्ट आपसे आंसर जब पूछे तो आपको मान निकालने की जरूरत नहीं, जब आपको दिख रहा है कि सीधे सीधे इन लोगों से इसका मान काफ़ी ज़्यादा अंतर में आ रहा था, बड़ा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, कोई कंपेयर नहीं था, तो आप तुरंत इसका आंसर लगाइए कि 5 घाते 60 आपका सबसे बड़ा, आगे चलिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे,
क्योंकि वहाँ पे आपके आपको यहाँ पे ये आंसर नहीं बताना है। जब आंसर पूछे कि कितना मान आएगा तब तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपसे सिर्फ पूछ रहा है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो आप वहाँ पे बस आपको ऑप्शन मिलेगा ये चारों, उसमें से टिक करिए सबसे बड़ी संख्या और आगे चलिए, टाइम बचाना है आप लोगों को। तो कैसे करेंगे, अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से नोट करिए। अब चलेंगे हम अगले टाइप की तरफ, ठीक है। टाइप थ्री अब देखेंगे हम जल्दी से, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सभी चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं काफ़ी यहाँ पे आप लोगों के लिए डेली मेहनत करता हूँ। तो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको इरेज करता हूँ, फिर हम चलेंगे टाइप थ्री की तरफ। टाइप वन, टाइप टू हम मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है, उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर रिवाइज करिएगा वीडियो के एंड में, आप देखेंगे आप लोगों को अच्छे से दोनों टाइप और जो भी मैं तीसरा टाइप बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलेंगे देखेंगे टाइप नंबर थ्री, ठीक। टाइप थ्री देखेंगे अब। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, रूट सेवन माइनस रूट फाइव, रूट नाइन माइनस रूट सेवन, ठीक, रूट इलेवन माइनस रूट नाइन, रूट थर्टीन माइनस रूट इलेवन। इसमें से आपसे अगर बोले कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक। इसमें से बोले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे इस चीज़ को ध्यान से आप लोग देखिए। ये अगला टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को नोट। क्वेश्चन में जो यहाँ पे श्रेणी दी गई है, सात रूट, रूट सात माइनस रूट पाँच, रूट नौ माइनस रूट सात, रूट ग्यारह माइनस रूट नौ, रूट तेरह माइनस रूट ग्यारह, इस टाइप के क्वेश्चन में श्रेणी में जो अंतर होगा समान होना चाहिए। जो मैं अभी आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, इसमें आपके जो श्रेणी में दी गई संख्या है उसमें अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे अंतर रूट टू का आएगा, यहाँ पे भी टू का आएगा, यहाँ पे भी टू का आएगा, यहाँ पे भी टू का आएगा, अंतर समान होना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या, माइनस होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए बीच में, माइनस साइन है। प्लस वाला भी मैं अभी आगे कराऊंगा उसको कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अभी मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें आपको बीच में माइनस साइन होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। जब बीच में माइनस साइन होगा और अंतर समान होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे देखने में आप लोगों को लगे जैसे रूट माइनस रूट सेवन माइनस रूट पाँच है, ठीक है, रूट सेवन माइनस रूट फाइव है। अब जिसका मान सबसे छोटा, जिस रूट में मान सबसे छोटा दिखे, जिसका यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा रूट में मान किसका है, तो आप कहेंगे सर रूट पाँच का यहाँ पे मान सबसे छोटा है, ठीक, तो वो संख्या आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। जिस रूट का मान सबसे छोटा होगा, जिस वाले श्रेणी में जिस रूट में मान सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। रूट में जिसका मान सबसे बड़ा होगा, यानी कि रूट सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, रूट थर्टीन दिख रहा है आपको, इसका मान सबसे छोटा होगा, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी रूट सेवन माइनस रूट फाइव, रूट सेवन माइनस रूट फाइव हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता, छोटी संख्या आपका हो जाता रूट थर्टीन माइनस रूट इलेवन, वो वाला लास्ट वाला। तो मैंने क्या बताया, नोट में करके लिख लीजिए आप लोग, दी गई श्रेणी में अगर जो अंतर है वो समान है, इस तरीके से अंतर है आपका, रूट सेवन माइनस रूट फाइव, रूट नाइन माइनस रूट सेवन, इस तरीके से अंतर समान है। कुछ भी है अगर कोई भी यहाँ पे, जैसे रूट सेवन माइनस रूट थ्री होता तो चार का अंतर था, तो दूसरा भी यहाँ पे अंतर रूट नाइन तो यहाँ पे रूट फाइव होना चाहिए, चार चार का अंतर होगा। अगर समान अंतर होगा और बीच में हमारा साइन जो है वो माइनस का होगा, ऋण का होगा, तो हमारा जो सबसे छोटा मान होगा रूट में वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो सबसे बड़ा मान होगा रूट में वो सबसे छोटी संख्या होगी।
इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम चलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम। ठीक, अब हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे रूट में मतलब उसके बाहर वैल्यू हमारी प्लस में है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी जो बताया नोट में लिख के, आप लोगों लोग नोट जो कर लिखाया है वो समझ पढ़ लीजिए आप लोग, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूट का जो अंतर है श्रेणी में वो समान हो और उसके बीच ऋणात्मक साइन हो, तो आपका जो सबसे छोटा रूट का मान होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे बड़ा मान होगा रूट का वो सबसे छोटी संख्या होगी। लेकिन हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, रूट सिक्स, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ, रूट सिक्स सही से लिख देता हूँ, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव। ठीक, अगला मान है श्रेणी का रूट आठ प्लस रूट छः। नेक्स्ट मान है हमारा रूट ग्यारह प्लस रूट तीन और लास्ट में रूट बारह प्लस रूट पाँच। इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी या फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। मान लीजिए सबसे यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। इस श्रेणी में सबसे छोटी संख्या आपको बताना है कि ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप प्लस का साइन है, यहाँ पे आपका पिछला वाला कॉन्सेप्ट तो काम करेगा नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, तो क्या करेंगे हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी कि स्क्वायर ले लेंगे इन सब का। तो हमारा पहले का अगर स्क्वायर लेंगे हम तो 6 का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करिए, स्क्वायर ले लीजिए सभी श्रेणी में सभी टर्म का, इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, ए स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर रूट 5 का 5 हो जाएगा प्लस 2ab, रूट 6 रूट 5 यहाँ पे आ जाएगा 6 × 5 = 30। ठीक, ये हो गया आपका, कितना मान आ गया इसका 6 × 5 = 11 प्लस 2√30 पहले वाले का मान आ गया। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, आठ, अब डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ ना कि इसका 8 और 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो 8 है यहाँ से आएगा, यहाँ से 6 आएगा तो 8 × 6 = 14 हो जाएगा, 14 हो गया प्लस 2√ आपका ए बी मतलब 8 × 48। दूसरे का मान हो गया ये, तीसरे का मान 11 और 3 = 14 हो गया ये भी प्लस 2√ में क्या होगा 11 × 3 = 33 और लास्ट में चौथे का मान क्या हो जाएगा 12 और 5 = 17, यहाँ पे 17 आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × 12 = 60। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि पहले का मान आ गया हमारा 11 + 2√30, दूसरे का मान आ गया हमारा 14 + 2√48, तीसरे का मान आ गया 14 + 2√33 और चौथे का मान आ गया हमारा 17 + 2√60। अब इसने सबसे छोटी संख्या पूछा है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 11 है, यहाँ पर रूट में भी मान सबसे छोटा है, यहाँ पे रूट 30 है, रूट 48 है, रूट 33 है, रूट 60 है, सभी का हमको वर्गमूल निकालना है, सभी का सेम है, यहाँ पे 2 है सभी का वर्ग, यहाँ पे 2 बाहर है गुणा हो रहा है तो रूट 30 रूट 48 रूट 33 और रूट 60 यहाँ पे वर्गमूल है क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है नुकीले भाग के अंदर, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो रूट 30 का मान ज़्यादा आएगा कि रूट 60 का मान ज़्यादा आएगा, तो आप कहेंगे रूट 60 का मान ज़्यादा आएगा, उसमें हम ज़्यादा संख्या जोड़ भी रहे हैं 17 जोड़ भी रहे हैं, रूट 30 का मान सबसे कम आएगा और इसमें हम सबसे छोटी संख्या जोड़ रहे हैं 11 बाकी संख्याओं से, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो गई रूट 6 प्लस रूट 5।
ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर इसी में सबसे बड़ी संख्या पूछता तो आपका आंसर आता ये रूट ट्वेल्व प्लस रूट फाइव। तो ये था, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट करना, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का यहाँ पे हम वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती होंगी जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना होता है इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करके ले आता हूँ, जिससे आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन कराऊँ वो 100% सही हो, उसमें कोई गलतियाँ ना हो, जिससे आप लोग जो पढ़ें जो नोट्स अपना बना रहे हैं उसमें आप लोगों से कोई गलती एक भी अक्षर का ना हो। और जब एग्ज़ाम आए तो रिवाइज जब आप लोगों को करना हो तो आप आराम से एक तरफ से उठा के रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को थम्सअप बटन होगा यहाँ पे नीचे उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा, और नीचे यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो जो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।